अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5 रियल लाइफ मोड। तो पहले ये ट्रेवर भाई हैं, इनका आप तारुफ करवा दूँ आपको। ये सैंडी चोर में रहते हैं और आज मेरे पास आए हैं। यहाँ सुबह सुबह आए थे, गाड़ी लेने आए हैं अपनी और मेरे डीलरशिप पे जाना है इन्होंने। तो पहले तो अपनी रेंज रोवर निकाल लेते हैं, क्योंकि कामरान भाई का फ़ोन आया था, उनकी वर्कशॉप पर जो हमने गाड़ी दी थी लैंड क्रूज़र, वो पूरी हो गई है, उन्होंने सही तरह उसे बनवा दी है। तो अभी माइकल और ट्रेवर भाई जो हैं वो जा रहे हैं, दोनों जाके वो गाड़ी लेके आएंगे। और ये जो लैंड क्रूज़र है ना, ये लैंड क्रूज़र उनको मैंने कहा था कि टिप टॉप करके देनी है और रिम्स भी लगवा के देनी है, तो उन्होंने पता नहीं अभी मुझे क्या क्या काम किया उसके अंदर। तो चल के देखते हैं जल्दी से। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर पूरा एंड तक देखा करो, ताकि आपको समझ आए कि स्टोरी चल किधर रही है। मैं स्टोरी वर्क पर काम करता हूँ। तो अभी लैंड क्रूज़र जो है इसको लेने जाने हैं और दोनों जा रहे हैं। तो ये देखें जी, रेंज रोवर क्या कमाल लग रही है गाड़ी। रेंज रोवर ऐसी गाड़ी है कि ये जो उसके शीशे हैं ना, ये ब्लैक हैं, तो चलने में काफ़ी कमाल लगती है। और उसकी आवाज़ जो है ना वो बहुत प्यारी है, एड ऑन तरीके से इंस्टॉल हुई है। काफ़ी बंदे पूछते हैं गाड़ियाँ किस तरह इंस्टॉल करते हैं, तो यार दो तरीके से गाड़ी इंस्टॉल होती हैं, या तो एक एड ऑन होती है या फिर एक रिप्लेस होती है। मेरे चैनल पर दोनों के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे ना GTA 5 पाकिस्तान ट्यूटोरियल्स, तो आपको वहाँ पर ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो पहले तो हम लोग कामरान भाई की वर्कशॉप पे आ गए हैं और चेक करें लैंड क्रूज़र, इधर खड़ी नहीं हुई, पता नहीं किधर खड़ी हुई है। तो यार चेक करो क्या कमाल लग रही है रेंज रोवर, और ये देखो क्या टेक्सचर्स कमाल का। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जाकर डाउनलोड कर लो। तो वो कामरान भाई खड़े होकर ना कॉफ़ी पी रहे हैं, तो इनसे पूछने के जी किधर है हमारी लैंड क्रूज़र। कमरान भाई लैंड क्रूज़र किधर खड़ी हुई है? वो कह रहे हैं कि जी पीछे खड़ी हुई है, लैंड क्रूज़र तैयार करके खड़ी की हुई है वहाँ पे। तो ट्रेवर भाई पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे। यार अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सीरियसली जाके सब्सक्राइब करो। और आप लोग काफ़ी कमाल कमाल के कमेंट्स करते हो, तो मैं पढ़ के बहुत मुझे मज़ा आता है। खैर यार चेक करो पहले तो गाड़ी क्या बना दी इन्होंने। इनको मैंने ब्लैक कलर कहा था लेकिन उन्होंने डार्क ब्लू कर दिया, वो भी ठीक अच्छा लग रहा है, गाड़ी के ऊपर सूट कर रहा है। और ब्लैक कलर के रिम्स लगा दिए इन्होंने ऑफ रोड वाले। और यार काफ़ी कमाल करती गाड़ी, ये महंगी बिकेगी मुझे लगता है, जितनी प्राइस पे हमने ली थी, जो ट्रेडिंग पे हमने गाड़ी ये ली थी, अब महंगी बिकेगी। खैर कमाल हो गया, इसको इन्होंने लगवा दिया पंजाब का नंबर प्लेट, लगवा दी इसको इस्लामाबाद की नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिन जिन लोगों को नहीं पता। इधर कहीं ऊपर आई कार्ड में लिंक शो हो रहा होगा इस वीडियो का, जाके चेक कर लें इस वीडियो को। अगर अभी आप लोगों ने पहले ये इसकी वीडियो नहीं देखी तो जाके चेक कर लें। तो इंटीरियर भी की काफ़ी डिटेलिंग की इन्होंने। तो जल्दी से चलते हैं घर, अब पहले ये गाड़ी लेके चलते हैं उधर रेंज रोवर, क्योंकि रेंज रोवर भी साथ लेके जानी है हमने। तो रेंज रोवर जो माइकल खुद चला के लेके जाएगा, और ये जो गाड़ी है ये ट्रेवर अंकल मतलब कि ट्रेवर भाई लेके जाएंगे। तो यहाँ से ये गाड़ी जो है इसको इधर लगाते हैं और जाके उसको बता के आते हैं कि गाड़ी लेके जा रहे हैं हम लोग। यार उसे चेक करो क्या फ्रेम आ रहा है, इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए उसे। बाय द वे जिन जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ था, वो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं इस तरह की तस्वीरें जो है ना गाड़ियों की डालता रहता हूँ वहाँ पर। तो अभी कामरान भाई से मेरी बात हो गई है, वो कह रहे हैं गाड़ी ले जाओ। और अभी ड्राइवर जो है उससे मेरी बात हुई है, ड्राइवर कह रहा है कि मैं लैंड क्रूज़र लेके जाऊंगा। और माइकल कह रहा है कि ठीक है, क्योंकि माइकल ने वैसे भी इसको अपनी रेंज रोवर नहीं देनी थी, क्योंकि रेंज रोवर जो है ना वो मेरा अल्टीमेट लव हो गया, इतनी कमाल गाड़ी लग रही है। तो मेरा दिल चाह रहा है कि ये जो गाड़ी है ना ये माइकल की कलेक्शन में शामिल कर ली जाए। तो आप लोग मुझे अपनी कमेंट्स में राय दीजिएगा कि मैं इसको ऐड कर लूँ कि ना कर लूँ, कि दोबारा गाड़ी सेल कर दें हम लोग। बाय द वे जिन जिन लोगों को नहीं पता, माइकल की जो LX570 है वो जा रही है, जो भी चलाता था माइकल, वैसे माइकल ने जो अपनी LX570 है ना ब्लैक कलर में ओरिजिनल रिम्स के साथ बगैर बॉडी किट के ऑर्डर कर दी हुई है। तो अगर आप लोग कहते हैं बॉडी किट्स लगवानी है तो हम लोग उसको जाके मॉडिफाई करेंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यार इस गाड़ी की आवाज़ बहुत कमाल की, और मैं वही आवाज़ सुन रहा था अभी गाड़ी की स्टार्ट करने की। तो शारा खुल गया और माइकल के पीछे पीछे ट्रेवर भाई भी आ रहे हैं हमारे, और ट्रेवर भाई का गाड़ी कर मोड़ ली कहीं पर आई थिंक। तो वो आ गए हैं ट्रेवर भाई भी हमारे पीछे पीछे। यार ये जो इस तरह का मोड़ होता है
ये काफ़ी कमाल होता है। और आप लोग मेरे से काफ़ी पूछते हैं कि ये मोड किस तरह करता हूँ मैं, ये मोड नहीं होता, ये मैं खुद सीन क्रिएट करता हूँ एक, और ये सारा कुछ मैन्यू ट्रेनर की मदद से होता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, उसका ट्यूटोरियल भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा आप लोगों के लिए। और भाई आप लोग रिक्वेस्ट करते हो गाड़ियों की, वो गाड़ियों की रिक्वेस्टें जो हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना, अभी तो नहीं आ रही, खैर 2-3-4 वीडियोज़ जो हैं वो मैंने रियल लाइफ मोड की तैयार की हुई हैं, इसलिए नहीं तो जो रिक्वेस्ट की नंबर प्लेट की रिक्वेस्ट वीडियोज़ हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला आपको ना हफ्ते में या महीने में एक ज़रूर दिया करूँगा। कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की क्या क्या रिक्वेस्टें हैं, और बेहतर तो ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्टें भेज दें, अगर नहीं भेज सकते तो फिर यहाँ पर लिख दें #PTG और आगे रिक्वेस्ट अपनी। तो अभी जल्दी से लैंड क्रूजर को खड़ा कर दिए पीछे, और अभी जल्दी से ना रेंज रोवर को अंदर खड़ा कर देते हैं ताकि कोई गाड़ी आके छेड़े ना हमारी ये वाली। तो बाहर ट्रेवर भाई खड़े हुए हैं और उनके साथ ही जाना हमने। तो ये माइकल अपनी गाड़ी का टायर चेक कर रहा था, अभी थोड़ा सा लग गया कहीं पर। तो ये लैंड क्रूजर जो काफ़ी कमाल लग रही है, और यार मेरा इस पर दिल आ गया, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये गाड़ी भी माइकल के पास ही रख लूँ, लेकिन ये गाड़ी बेचनी है तो बेचनी पड़ेगी। अब डीलरशिप पे लेके जा रहे हैं इस गाड़ी को, वहाँ पे दो गाड़ियाँ आई हुई हैं आजकल डीलरशिप पे, एक तो जो कल हमने LX 570 छोड़ी थी अपनी, और एक नई गाड़ी आई है क्रोला 2020 ब्लू कलर में। तो देखते हैं कि कौन सी गाड़ी लेते हैं। वैसे तो इनका जो प्लान है वो LX 570 लेने का ही है, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि LX 570 जो है वो जाने वाली है, तो वो इनसे ही डील हो रही थी मेरी। अब देखें आज क्या बनता है डील का। एक बार ही कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये लैंड क्रूजर कैसी लगी है। ये गाड़ी जो है ना, ये एंटीक किस्म की गाड़ी है, ये बहुत कमाल गाड़ी है, और उसकी अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है इस गाड़ी की, टिल डेज इवन के पाकिस्तान में भी इस गाड़ी की बहुत वैल्यू है। ये पुराने ज़माने की V8 है, मतलब इसके अंदर इंजन तो V6 होता था लेकिन पुराने ज़माने की V8 है। तो भाइयों अभी हम लोग डीलरशिप पे आ गए हैं, और डीलरशिप पे अभी सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी हुई है। तो भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने तो डीलरशिप का कहीं और दिखाई थी आपको, तो उसके ऊपर छत थी ना, उसकी वजह से मेरी गेम जो है उसके जो FPS है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, तो इसलिए वो मैंने मोड अनइंस्टॉल कर दिया। तो अभी ये नया मोड किया मैंने इसके अंदर, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इससे FPS डाउन नहीं हुए बल्कि गाड़ी जो गेम है ना वो ज़्यादा अच्छी हो गई है, मतलब कि मैंने क्योंकि गेम नहीं इंस्टॉल किया दोबारा से अभी। तो ट्रेवर भाई कह रहे हैं कि मैंने LX 570 ही लेनी है, अभी आते ही रास्ते में बात हुई है, तो LX 570 ही देनी पड़ेगी इनको। LX 570 इनको दे दी है, और बैक करते हैं। और ऐसा है कि अभी जो LX 570 है इसको फुल हमने डाउन कर फुल मॉडिफाई करवाया हुआ है, तो इतनी मॉडिफाई गाड़ी जो है ना सैंडी शॉर्ट में नहीं चलती। खैर अभी मैं इनको पीछे ले आया हूँ अपनी पार्किंग में, और यहाँ पे क्रोला आई हुई है ये देखें जी। तो ट्रैवल भाई कह रहे हैं क्रोला थोड़ी महंगी हो जाएगी, और वैसे भी अगर ये मैं लूँगा तो ये सिर्फ खड़ी रहेगी, मेरे काम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया है वो सारा ऑफ रोडिंग एरिया है, तो वहाँ पर गाड़ी कामयाब नहीं है। तभी माइकल ने कहा कि चलें फिर ठीक है, आपको अगर LX 570 ही चाहिए तो इसकी जो प्राइस है वो माइकल इनसे ले लेगा बाद में। अभी खैर माइकल ने डिस्क्लोज़ नहीं की कितनी प्राइस है, क्योंकि ये दोनों आपस में पहले दोस्त हैं, पहले एक शुरू के दोस्त हैं, और अभी भी इनकी मतलब कि थोड़ी दोस्ती में दरार आ गई थी, लेकिन अब ठीक हो गए हैं दोनों, फ्रैंकलिन ने करवाया दोनों को ठीक, तो इनके बीच में लड़ाई हो गई थी। तो अभी माइकल जो है ट्रेवर को लेके जा रहा है लॉस सैंटोस कस्टम, वहाँ पे जाके इन्होंने गाड़ी जो है उसको फुल स्टॉक करवाना है। बॉडी किट तो लगी रहेगी, क्योंकि वो जो ट्रेवर भाई हैं उनको बॉडी किट बड़ी पसंद है इस गाड़ी की, तो बॉडी किट लगी रहेगी, लेकिन जो गाड़ी के टायर वगैरह सस्पेंशन है वो चेंज हो जाएंगे। और यार इस गाड़ी पे मैंने बहुत सारी ड्रिफ्टिंग किया, तो ये गाड़ी मुझे बड़ी पसंद है। चेक करें यार क्या कमाल ड्रिफ्टिंग होती है इसके ऊपर। अभी माइकल की जो गाड़ी है ना वो जो आ रही है LX 570 उसका ऑर्डर दे दिया हुआ इसने, लेकिन वो गाड़ी आ रही है बगैर बॉडी किट्स के, तो उसको भी मॉडिफाई करवाएंगे। तो अभी ड्रिफ्ट फिर की है मैंने, और गाड़ी लगते लगते बच गई, लेकिन थोड़ी सी लग भी गई साइड से, और पीछे पुलिस आ गई हमारे, बचत हो गई है। फिर लॉस सैंटोस कस्टम के अंदर जाके गाड़ी को जो है फुल थोड़ा स्टॉक करवाते हैं, क्योंकि ट्रेवर अंकल कह रहे हैं कि वहाँ पर गाड़ी चलनी नहीं इतनी डाउन होके। लॉजिटेक का स्टीयरिंग व्हील फिर कनेक्ट किया हुआ है, और इसका जो इंजन है ना वो पहले हमने करवाना लेवल 3 के ऊपर,
उसके बाद इसकी जो प्लेट है वो सिंध की करवानी है हमने। री स्प्रे में इसका कलर जो है कैरेमल कलर या कह लें लाइट ब्राउन कलर जो होता है वो करवाना है मेटेलिक में, क्योंकि ट्रेवर अंकल कह रहे हैं वहाँ पे थोड़ी धुंध पड़ती रहती है, मतलब कि वहाँ पे मिट्टी धूल मिट्टी पड़ती रहती है तो इसलिए गाड़ी जल्दी गंदी होती है। तो मैंने कोई लाइट कलर सा करवाना है, लाइट सा कलर जिस पर इतनी मिट्टी पड़ भी जाए तो इतना गंदी ना लगे गाड़ी। सस्पेंशन पूरी स्टॉक करवानी है हमने, उसके बाद ट्रांसमिशन यही रहने देंगे, टर्बो भी लगा रहने देंगे और व्हील्स जो है वो बाहर जाके हम खुद ही चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास व्हील्स का स्टॉक पड़ा हुआ है मेन्यू ट्रेनर के अंदर। यह गाड़ी चेक करो क्या कमाल लग रही है, इस कलर में भी अच्छी गाड़ी लग रही है। तो अभी इसका जो इंजन है वो थोड़ा कम करवा दी, इसलिए जो इस गाड़ी की पिक का वो इतनी पिक नहीं रही, लेकिन जो माइकल की एलएक्स 570 आएगी उसको हम फुल अपग्रेड करवाएंगे और उसमें फुल ये काम करेंगे हम। तो अभी टायर चेंज करने लगे हम लोग, और टायर चेंज कर लिया तो फाइनली यहाँ पे ना माइकल को फ़ोन आ गया मेलडा का, और जिन्हें ने गाड़ी से कोई मसला कर दिया अपनी होंडा सिविक, आप लोग कह रहे थे कि पसंद नहीं है आप लोगों को, बहरहाल होंडा सिविक के साथ उसने कोई मसला कर दिया तो ये घर जा रहा है अभी, इसको जाना पड़ गया। वैसे से सैंडी चौड़ जाना था ड्राइवर के साथ, लेकिन ड्राइवर कह रहा है चलो कोई बात नहीं मैं इसको ले जाता हूँ खुद ही। तो बाकी यहाँ पे माइकल ने भी टैक्सी बुला ली है और माइकल जो है वो अपने घर जा रहा है। तो ये ट्रेवर की पहली वीडियो है इस चैनल के ऊपर, ट्रेवर जो है रियल लाइफ मोड्स के अंदर स्टीयरिंग व्हील के साथ। तो ट्रेवर जो है अभी सैंडी शोर जा रहा है अपने घर, जो इसका घर है वो बहुत दूर है इसका घर, वैसे तो इतनी दूर है, मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये मैप है और ये इतनी दूर घर है, बीच में हाईवे लगता है। खैर गाड़ी जो है वैसे भी अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही, भाई लेक्सस एलएक्स 570 तो अच्छी क्यों नहीं लगेगी। तो अभी हम माइकल के ट्रेवर के घर के पास आ गए हैं, और ट्रेवर का घर जो है ना मैंने आपको जैसे बताया था कि डेजर्ट एरिया में है, तो डेजर्ट एरिया आ गया, चेक करें ये फुल ऑफ रोड वाला ट्रैक सीन है। तो ये देखें गाड़ी कितनी हिल रही है ऊपर और नीचे से, इसलिए इसने फुल स्टॉक करवाया, नहीं तो इसको गाड़ियाँ बड़ी पसंद है माइकल की। और ये भी ड्रिफ्ट चेक करना यार, इसके अलार्म इसने बड़े कमाल के लगवाए हैं, ऑफ रोड किस्म के अलार्म हैं इसके। तो अभी इसने अपने घर के अंदर खड़ी कर दी गाड़ी, गैराज छोटा सा बनवाया था इसने गाड़ी के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर किया करें, कोरोना वायरस से बचें, हाथ धोएं, घर में रहें, और दिस इज़ पाकिस्तान द गेमर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।